गाइस वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ एयरसॉफ्ट गन इंडिया। एयरसॉफ्ट गन इंडिया के नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आप देख सकते हो आज हमारे पास बहुत ही कूल सामान आया है। सामान तो नहीं कह सकते, कूल एयर राइफल कह सकते हैं। हमारे पास एक कूल एयर राइफल है, दिस इज अमेजिंग। ये आपको थोड़ा देखा देखा गन लगता है क्योंकि आपको पता है हमारे पास एक बहुत ही अच्छी गन थी, दैट इज एपेक्स एयर राइफल। उसी का जो है सिंथेटिक वर्जन हमने बनवाया है। इसके अंदर सिंथेटिक ग्रिप है। अब वुड में कई बार क्या होता है कि दीमक लग जाता है ओवर द टाइम, या फिर कई बार लोगों से टूट जाता है। टूट तो चलो सिंथेटिक वाला भी आता है अगर आप ढंग से इस्तेमाल नहीं करोगे तो, बट दिस इज बेसिकली अ सिंथेटिक मॉडल। ये वुड के जगह पे हमने सिंथेटिक का ग्रिप लगवाया है, बहुत अच्छा काम किया गया है। ये आपको काफ़ी कूल दिखेगा, काफ़ी अमेजिंग है, काफ़ी बढ़िया काम इसके ऊपर किया गया है। जनरली वुड वाले में उतना टेक्सचर नहीं होता है, अच्छा नहीं क्वालिटी, बट इसके अंदर यू नो काम किया गया है, वेरी नाइस यू नो। इफ यू कैन सी, कमेंट में बताइएगा ये किस राइफल से मिलता जुलता है। जो लोग राइफल के शौकीन हैं उनको पता होगा देयर इज़ अ पॉपुलर मॉडल, उससे इंस्पायर लेकर के ये बनाया गया है। एंड इट इज़ वेरी नाइस, आप देख सकते हो काफ़ी अच्छा जो इस पर काम किया गया है, द डिज़ाइन इन एवरीथिंग। खास करके जो इसका ग्रिप है इसके ऊपर आप देख सकते हो हाथ में ग्रिपिंग का अच्छा टेक्सचर बनाया गया है, वेरी नाइस। चिक बट जो है इस पर आप अपने चिक को रख करके टारगेटिंग कर सकते हो। यहाँ पे ग्रूव्स बनाया गया है सो दैट यू कैन इवन यूज योर स्कोप, अगर आपके पास स्कोप है तो आप स्कोप इस पर लगा सकते हो। एंड ये 0.177 का राइफल है, दैट मीन्स इसके लिए आपको लाइसेंस की रिक्वायरमेंट नहीं है। 0.177 के लिए इंडिया में लाइसेंस की रिक्वायरमेंट नहीं होता क्योंकि ये स्पोर्ट्स पर्पज के लिए होता है और आप इसे 10 मीटर के शूटिंग रेंज पर चलाते हो। दिस इज द पैलेट, ये इंडियन पैलेट है। इफ़ यू वॉन्ट यू कैन यूज़ इम्पोर्टेड पैलेट एज वेल, बट आई डोंट रिकमेंड। इतनी महंगी, इतनी यू नो सस्ती गन में महंगे प्रेस डालने का कोई मतलब नहीं है। और ये बेसिकली फॉर अ बिगिनर, इफ़ यू आर समवन जिसको टारगेट शूटिंग करना है एज एन प्रोफेशनल लेवल और आपको देखना है कि आपको मज़ा आता है नहीं, यू कैन स्टार्ट विद दिस। आप ये खरीदिए, आप इससे स्टार्ट कर सकते हैं, देन यू कैन मूव ऑन टू अ बेटर वर्जन। तो ये बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं है, ये 15,000 से नीचे ही होगा, आई डोंट नो, 15,000 भी नहीं होगा, तो आप ये चेक कर लीजिएगा। इसके अंदर लॉक भी है विच इज़ वेरी ग्रेट, इंडियन राइफल्स में इतना आता नहीं है लॉक। तो इसके अंदर जब भी आप इसको लोड करते हो तो ये पीछे आता है, देन आपको अनलॉक करना होता है फायरिंग से पहले। ये साइट है, एडजस्टेबल साइट है, आप इसको एडजस्ट कर सकते हो अपने हिसाब से, बड़ा घटा सकते हो अगर आप इसको चाहोगे एडजस्ट। तो आई वोंट रिकमेंड यू इसे छेड़ने के लिए, बट इफ़ यू आर समवन, आपके पास बहुत टाइम होगा, एक बार आप खरीद लोगे तो यू विल हैव टाइम, अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हो ताकि निशाना में आपको वेरिएशन मालूम पड़ जाएगा। देन दिस इज़ द फ्रंट साइड, ये भी आप एडजस्ट कर सकते हो, यहाँ पे नट वगैरह डाल के इसको आगे पीछे कर सकते हो। फ्रंट का पार्ट आप देख सकते हो, इट इज़ वेरी नाइस टेक्सचर्ड, बहुत अच्छे से बनाया गया है, बहुत काम किया गया है। इसके ऊपर डिज़ाइन आप देख रहे हो, वेरी नाइस है ना, बहुत अच्छा है, बहुत ही प्यारा है, इट लुक्स वेरी कूल। अगर आप इसे खरीद रहे हो तो एक तो इसको पैक करने के लिए राइफल कवर खरीद लीजिए, इट बिकम्स इजी। गाड़ी में आप ऐसे लेके जाओगे इट इज़ नॉट, इट डजेंट गिव अ गुड यू नो फीलिंग, सो गेट अ राइफल कवर। राइफल कवर हमारे पास सस्ते वाला भी है, महंगे वाला भी है, गेट अ चीपर वर्जन, महंगा खरीदने की जरूरत नहीं है, सस्ते वाला खरीद लो चलेगा, बट गेट वन। और पैलेट्स आप बहुत सारा खरीद लीजिए क्योंकि ये जो है 100 का पैक आता है, 100 आप एक दिन में ही फायर कर दोगे, सो गेट अ बिग पैक। और इसको लोड करना बड़ा आसान है, छोटे बच्चों के लिए ऑब्वियसली ये डिफिकल्ट होगा इफ़ यू हैव अ किड लेस देन 18 ईयर्स, बट अगर जो बड़ा है दिस इज़ वे टू स्मूदर इफ यू नो हाउ टू डू इट, यू हैव टू जस्ट ब्रेक इट। और ये जो पॉइंट है यहाँ पे आप पैलेट डालते हो, टेक अ पैलेट, पुट इट लाइक दिस, मेक श्योर ये पूरा इंसर्ट हो जाए, देन आपको इसे ऊपर करना है और इसको आप फ्रंट करोगे तो इट कम्स ऑन द फायरिंग मोड, अगर ये पीछे रहेगा तो जो ये फायर नहीं करेगा। तो अभी मैंने इसको यू नो पीछे कर दिया तो ये अब ट्रिगर काम नहीं करेगा, इट बिकम्स लॉक्ड। इसको फ्रंट कर दूंगा तो ये चलने लगेगा। ग्रिपिंग आप देख सकते हो, दिस इज़ हार्ड प्लास्टिक, इसमें रबराइज वर्जन है, आप इसको खोल करके भी सकते हो, बट आई डोंट रिकमेंड इसको छेड़ने के लिए। और चलिए मैं आपको फायरिंग करके दिखाता हूँ, सामने टारगेट है, वेरी नाइस, मेरे ख्याल से 6 नंबर पे मैंने मारा है, द ब्लैक वर्जन। इंडियन एयर राइफल से निशाना एक्यूरेट लगाना है थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, बट दिस इज़ गुड, आप इससे कंपटीशन की तैयारी वगैरह भी कर सकते हो। इसको मैं लॉक खोल रहा हूँ, जब मैं बोल रहा हूँ कि आप कंपटीशन की तैयारी कर सकते हो इसका मतलब ये नहीं है कि आप इसे कंपटीशन खेल सकते हो, क्योंकि आप इसे कंपटीशन खेलने जाओगे आपका नंबर ही नहीं आएंगे, क्योंकि कंपटीशन में दे यूज़ वेरी सोफिस्टिकेटेड वेपन। स्टार्ट के लिए फॉर अ बिगिनर टू प्रैक्टिस यू कैन स्टार्ट विद दिस, बट देन यू विल हैव टू मूव टू अ बेटर वर्जन। ये बाहर आ गया, मैंने टाइम बहुत लिया, बट मूव ऑन,
प्रिटी गुड। एक और गोली चलाएंगे, सो फिल इट, लॉक खोलेंगे। चलिए आपको दिखाते हैं हाउ डिड इट परफॉर्म। आप देख सकते हो ये पहले के 3 राउंड्स हैं और ये बाद के 2 राउंड्स हैं। व्हेन आई टुक इट वेरी कैजुअली बट वेरी नाइस है, अच्छा आप देख सकते हो, काफ़ी अच्छा ये परफॉर्म करता है। यू कैन यूज इट फॉर योर प्रैक्टिस, ओवर द टाइम यू विल बिकम वेरी एक्सपर्ट। वाओ, इट वॉज गुड। जैसा कि मैंने बोला था कि थोड़ा सा अगर आप ध्यान दो, जस्ट रिमूव द लॉक, दो